चलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। और आज गाइस हम कोटक सिक्योरिटीज ऐप से ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं, और क्या हिडन चार्जेस लेती है हमसे कंपनीज ये भी देखेंगे, और कंपनीज हमसे क्या पैसा वसूलती है और सेबी हमसे क्या टैक्सेस वसूलती है, ये सब चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। और गाइस हमको कंपनीज क्या मार्जिन देती है, कितना हमको मार्जिन प्रोवाइड करती है, ये सब चीज के बारे में भी हम देखने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आप सारी चीजें सीख जाएंगे और खुद से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप आसानी से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो गाइस चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब हम देख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हमको कितना देना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट टाइम अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमको बिल्कुल फ्री चार्जेस है गाइस, हमारा कोई चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ठीक है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको साल का देना पड़ेगा गाइस 600 रुपया, आपको एक साल में ईयरली चार्जेस लगता है ये 600 रुपया आपको देना पड़ता है। एक होता है गाइस हमारा इंटरडे में फीड प्लान, अगर आप फीड प्लान ले लोगे तो आपको जो है साल भर आपको इंटरडे में कोई ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, बट आपको सेबी का टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्सेस आपको देना पड़ेगा ही, ठीक है। और ब्रोकरेज जो है ये फ्री है, आपको 589 में एक प्लान लेना पड़ता है, एक सब्सक्रिप्शन है कोटक सिक्योरिटीज का, ठीक है, ये सिर्फ कोटक सिक्योरिटीज में गाइस, बाकी और ब्रोकरेज फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इंटरडे में आपको जैसे कंपनी में देना पड़ता है अदर ब्रोकरेज फॉर्म में, वो यहाँ आपको देना नहीं पड़ेगा और टैक्सेस आपको देना पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमको कितना कितना ब्रोकरेज चार्जेस करता है कंपनीज, उसके बाद हम देखेंगे कि सेबी हमसे क्या चार्जेस वसूलती है। तो इक्विटी में गाइस इंटरडे में कंपनी हमसे ब्रोकरेज चार्जेस वसूलती है 0.035%। अगर आप फीड प्लान नहीं लेंगे तो ये ब्रोकरेज चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर आप फ्लैट कराते हैं तो खरीदने का आपको देना पड़ता है गाइस 20 रुपए और सेलिंग करने का आपको देना पड़ता है 20 रुपए, ठीक है। ये फ्लैट का एक अलग होता है, फीड का अलग होता है, और ये नॉर्मल चार्जेस है, नॉर्मल चार्जेस ये होता है, ठीक है, इतना आपको देना पड़ता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइस डिलीवरी में हमको देना पड़ता है 0.25% ब्रोकरेज, ठीक है, ये हमारा जो है कंपनी को देना पड़ता है, सेबी को अलग हमको टैक्सेस देना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गाइस देखिए ऑप्शन में आपको एक लॉट पे देना पड़ेगा 20 रुपए चार्जेस, एक लॉट पे हमको पड़ेगा 20 रुपए, ठीक है। फ्यूचर में आपको एक लॉट का देना पड़ेगा 20 रुपए। ये फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, ये आपको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा। अब गाइस देख लेते हैं मार्जिन हमको कितना टाइम्स मिलने वाला है। इक्विटी इंट्राडे में हमको 5 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 तक यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इक्विटी डिलीवरी में हमको 2 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है, मतलब कि हम 20,000 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास 10,000 रुपए है तो। ऑप्शन में आपको 1 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है, फ्यूचर में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग को समझ आगे होगा, ये ब्रोकरेज जो है हमको कंपनी को देना पड़ता है, ये हमको कंपनी को देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं सेबी हमसे क्या टैक्सेस वसूलती है, सेबी को हमको क्या चार्जेस देना पड़ता है। तो गाइस हमको एसटीटी चार्जेस देना पड़ता है 0.01%, ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है इतना, जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है इतना, सेबी चार्जेस देना पड़ता है इतना, ये 1 करोड़ पे हमको 10 रुपए देना पड़ता है, स्टाम्प चार्जेस देना पड़ता है हमको 1500 रुपए 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे, ठीक है, 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा ओनली बाइंग साइड का। तो अब देखते हैं इस ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो अभी जैसे अगर हमारे पास फीड प्लान नहीं है, अगर हमारे पास फीड प्लान नहीं है तो ये अभी हमारा नॉर्मल प्लान है। जैसे कि गाइस हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारा 0.035% वाला ब्रोकरेज प्लान एक्टिव रहता है इंटरडे में, ठीक है, अगर आप फीड प्लान नहीं लेते हैं तो इसी के हिसाब से हम ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझते हैं। तो गाइस पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एक्स वाई जेड कंपनी है जिसका भाव है 100 रुपए। देखिएगा इसमें बार बार यही एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये आसान पड़ता है कैलकुलेट करने में, इसलिए जो है मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ और इससे जो है आप लोग को भी आसानी से समझ आता होगा, ठीक है। तो मान लो हमारा एक कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी जिसका भाव है 100 रुपया, हमने यहाँ 100 क्वांटिटी ले लिया तो हमारा यहाँ वॉल्यूम कितना जनरेट होगा 10,000 का, ठीक है, ये बाइंग साइड का है। कुछ टाइम के बाद इसका भाव हो गया 110 रुपया हो गया और हमने कितना वॉल्यूम जनरेट हमने कितना क्वांटिटी बाई किया है 100 क्वांटिटी, तो हमारा जो है यहाँ टोटल वॉल्यूम जनरेट होता है सेलिंग साइड का 11,000, तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 21,000 का, ये हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम। तो इसी से गाइस हमको कैलकुलेट करना होता है ये सब चीज को, इसी वॉल्यूम से हमको जितने भी ये ब्रोकरेज है कंपनी का इसको कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए हम इसका ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हमारा ब्रोकरेज यहाँ निकल के आता है। तो गाइस यहाँ हमको कंपनी का ब्रोकरेज निकल के आ रहा है
7.35 रुपीज, ये आपको कंपनी को देना पड़ेगा इतना। उसके बाद सेबी का चार्जेस अलग है, वो हम देख लेते हैं क्या क्या चार्जेस लगता है। तो हमारा सीटीटी चार्जेस लगता है 0.01%, 0.01% हमारा सीटीटी चार्जेस है, और इसको हम जो है वॉल्यूम से कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हमारा सीटीटी चार्जेस निकल के आता है। हमारा सीटीटी चार्जेस निकल के आ रहा है 2.1 रुपीज, ठीक है। हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस कैलकुलेट कर देते हैं 21,000 से, तो कैसे हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है 0.07245। अब देख लेते हैं हमारे जीएसटी चार्जेस कितना निकल के आता है, 80% प्लस हमारा ब्रोकरेज कितना निकल के आया है, ब्रोकरेज देख लेते हैं 7.35 रुपया। तो हम यहाँ 7.35 रुपया ऐड कर देते हैं, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हमारा ये रहेगा, ठीक है, 0.07245 रुपीज। तो हमारा जीएसटी कितना निकल के आता है वो कैलकुलेट कर देते हैं, तो गाइस हमारा जीएसटी निकल के आ रहा है 1.33, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेबी चार्जेस है 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे 10 रुपया, तो अभी हमारा वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है 21,000 का, तो 10 डिवाइडेड बाई 21,000, ठीक है। तो हमारा यहाँ सेबी चार्जेस निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ रहा है हमारा 0.00004 76 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम स्टाम्प चार्जेस। स्टाम्प चार्जेस हमारा 1500 रुपया लगेगा 1 करोड़ वॉल्यूम जनरेट होता है, तो अभी हमारे 21,000 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 0.15% इंटू हमारा 21,000 का वॉल्यूम, तो ये कैलकुलेट कर देते हैं। तो गाइस हमारे स्टाम्प चार्जेस निकल के आ रहा है 3.15 रुपया। अब गाइस हम टोटल यहाँ ब्रोकरेज कैलकुलेट कर देते हैं, हमारा कंपनी कितना ब्रोकरेज दिया हम 7.35 रुपए। अब ये सेबी का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ टोटल ब्रोकरेज निकल के सामने आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेट करके आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ हमारा सेबी का ब्रोकरेज निकल के आ रहा है 6.65 रुपया, कंपनी को हमको देना पड़ेगा 7.35 रुपया। तो हमारा टोटल ब्रोकरेज यहाँ निकल के आ रहा है 14 रुपया समथिंग, ठीक है, ये हमारा टोटल ब्रोकरेज है। तो देखिए गाइस 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको 14 रुपया देना पड़ेगा कंपनी को, कोटक को, ठीक है। अगर आप फिट प्लान लेते, अगर आप फिट प्लान लेंगे तो ये ब्रोकरेज आपको देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इतना देना पड़ेगा। अगर आप फ्लैट कराते हैं तो 20 रुपया खरीदने का, 20 रुपया बेचने का, तो 40 रुपया ये हो गया। तो अगर आप फ्लैट कराते हैं तो आपको 47 रुपया समथिंग आपको देना पड़ेगा, 47.35 रुपया समथिंग आपको देना पड़ेगा। तो देखिएगा इस फ्लैट तब कराओ जब आपका वॉल्यूम जनरेट होता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख, ऐसा वॉल्यूम आपका जनरेट होता है तो आप फ्लैट कराओ। अगर आपका वॉल्यूम जनरेट होता है 1 लाख के नीचे तो आप जो है फ्लैट मत करवाओ, आपका जो ब्रोकरेज रहेगा यही ठीक रहेगा 0.035% वाला, ठीक है। और आपको और ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है तो आप गाइस ये वाला प्लान ले लो, ये बेस्ट रहेगा 589 वाला, और इसी का आप यूज। आई होप गाइस मैंने सारी चीजें कवर कर दिया और आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ आ गया होगा और आप लोग खुद से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना भी सीख गए होंगे। तो ठीक है गाइस, मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।